अब खबर प्रथला से है, जहां मोहना गांव से बागपुर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बाढ़ के चलते बह चुका है, जिससे ग्रामीणों का संपर्क टूट चुका है। साथ ही साथ किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर भी पानी भर चुका है। वहीं हरियाणा न्यूज की टीम ने बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत की तो उनकी तरफ से प्रशासन पर लापरवाही बरतने की बात सामने आई। उन्होंने बताया कि प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, कई दिनों से खाने के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। मानसून के चलते भारी तबाही प्रथला विधानसभा क्षेत्र के मोहना से बागपुर जाने वाले रास्ते पर देखी जा सकती है। एक बार नजारा मैं आपको दिखा दूं कि किस हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि गांव की कनेक्टिविटी भी यहां पर खत्म हो चुकी है। जो सड़कें हैं वो पूरी जर्जर हो चुकी है और पानी का बहाव आप देखिए, चारों तरफ आप निगाह दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। चारों तरफ सिर्फ पानी आपको दिखाई देगा। लोग यहाँ पर अपने माथे को पकड़े हुए हैं। किसानों की हजारों एकड़ जमीन जो है वो पानी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जो धान की रुपाई थी उसको कंप्लीट करने के बाद अब जो तबाही है, मैं बता दूं कि यमुना नदी का कहर लोगों पर बरपा है और कहीं ना कहीं लोग लगातार मुआवजे की मांग करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम नेताएं जो हैं वो राहत शिविरों पर अपने औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो तांडव है यमुना का वो यहाँ पर देखने को मिला। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, कितना नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है? नुकसान जी, यहाँ करोड़ों का नुकसान है जी, और नुकसान ही नुकसान है। घर गिर रहे हैं, फसल तबाह हैगी, और इन भैया से पूछो। तमाम नेता यहाँ पर जो है अपना निरीक्षण यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मोहना के इस रोड का निरीक्षण करके गए हैं और जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं मुआवजे के लिए जो एक आश्वासन है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी, पूर्व पंचायत मेंबर हूँ जी। पंचायत मेंबर हैं, त्रासदी बहुत बड़ी है, किस तरह से देखते हैं आप? मतलब अभी तक 77 के बाद में सबसे ज्यादा पानी आया, विकराल रूप लिया हो जी इसने जी, और इसमें जन की, मन की, माल की, धन की, सबकी सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है जी। ना कोई चिकित्सा व्यवस्था, तमाम जो खेत हैं वो यहाँ पर खराब हो गए हैं और लोग यहाँ पर पूरी तरह परेशान नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक बार और मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। प्रथला विधानसभा से हरियाणा न्यूज के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।